बीजेपी नेता के हत्यारोपी को मारी गोली। मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र के निकट कार सवार बदमाशों ने बाइक पर जा रहे दो भाइयों पर गोलियां बरसा दी, जिसमें एक भाई गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे भाई ने खेत में कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं घायल को उपचार के लिए CHC में भर्ती कराया गया, जहाँ गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। बारी पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। नवभारत समाचार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से विशाल पवन की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, एक अभी पेशेंट आया गोली लगा, क्या मामला? जी, एक मरीज आया था अभी, उसको राइट साइड में नीचे पेट की तरफ गोली लगी हुई थी और वैसे तो ठीक था, गोली अंदर रहे, वैसे गोली का जाने का भी निशान है और बाहर निकलने का भी निशान उसमें है, पर उसको बाकी हमने एग्जामिनेशन के लिए अल्ट्रासाउंड के लिए मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया है। उसमें पता चलेगा अंदर कुछ छर्रे वर्रे अगर होंगे तो। कौन था, कहाँ का रहने वाला था? मथुरा विलेज का है, मथुरा गाँव का रहने वाला है, कमरपाल। जब कितनी गोली लगी है उसको? अब ये तो एक, वैसे तो हमें एक ही गोली का निशान दिख रहा है, अब बाकी अल्ट्रासाउंड करके पता चलेगा अंदर जो भी मिलेगा उसमें। अच्छा, क्या मामला हुआ? तारीख पे जा रहे थे, फिर क्या हुआ? कार आई जी, आगे क्या हुआ भाई? आगे जी कार पर आप आगे करके रोकी, रोकी मैंने पहचान लिया जी संजय था, उसमें संजय एक मोनू था जी, एक दारा का लम्बा था जी, तो मैं भाग लिया एकदम, मैंने देखता ही भाई इतने खड़ी करने में रात को गोली मारी पड़े। तारीख से वापस आ रहे थे, जा रहे थे? जा रहे थे जी, जा रहे थे। ये एक मामला जानकारी में आया है, चरथावल के ग्राम मथुरा के रहने वाले हैं एक कुंवरपाल, जिनको गोली मारने का मामला संज्ञान में आया है, और उन्होंने वो और उनके भाई रविंदर दोनों लोग जा रहे थे और उन्होंने बताया कि कुछ लोग आए स्कॉर्पियो से आए और उन्होंने जो उनको गोली मार दी, उनको घायल अवस्था में उनका उपचार चल रहा है। लेकिन अभी ये भी जानकारी में आया है कि कुछ दिन पहले 12 अक्टूबर को ही एक हत्या हुई थी, बीजेपी नेता की हत्या हुई थी, वो सभासद थे इसमें देवबंद थाना क्षेत्र के, उनकी हत्या में दोनों भाई जेल गए थे और अभी विगत 10 अक्टूबर को ये लोग जेल से छूटे हैं, और इनकी तरफ से जो भी तहरीर आएगी उसको हम लोग दर्ज करके अभी जो है जाँच हम लोगों ने शुरू कर दी है। प्रथम दृश्य देखने से मामला कुछ संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उसी मर्डर के जो इन्होंने मर्डर किया था उन्हीं के जो परिवारिकजन है उनको इसमें नामजद किया गया है, उसकी बहुत ही गहनता से जांच की जा रही है और जो घायल है वो खतरे से बाहर है, उनका जो उपचार कराया जा रहा है। कोई गिरफ्तारी अभी कुछ नहीं है।